नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तैयार और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। राजीव नगर और नेपाली नगर में रहने वाले लोगों के लिए कोर्ट की तरफ से एक राहत भरी खबर है। जी हां, आपको बता दें कि अतिक्रमण के खिलाफ लगातार चल रहे अभियान पर पटना हाई कोर्ट ने फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। क्या है पूरा मामला, दरअसल वो समझिए। पटना हाई कोर्ट ने पटना के राजीव नगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर यथास्थिति बहाल रखने का निर्देश दिया है। जस्टिस संदीप कुमार ने इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने वहां रह रहे नागरिकों को बिजली और पेयजल की सुविधा बहाल करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। कोर्ट ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है कि बिना व्यक्तिगत नोटिस दिए हुए जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। कोर्ट ने हाउसिंग बोर्ड के क्रियाकलापों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उनके अधिकारियों और पुलिस के नाक के नीचे ये अतिक्रमण हुआ तो उस समय क्यों कार्रवाई नहीं की गई। कोर्ट ने प्रशासन से जाना कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रविवार को क्यों की गई। कोर्ट ने जानना चाहा कि क्या प्रशासन रविवार को काम करता है। कोर्ट ने अगली सुनवाई में डीएम, पटना सीओ सदर, हाउसिंग बोर्ड के एमडी और स्टेट ऑफिसर को अगली कार्रवाई में उपस्थित रहने को कहा है। बता दें कि इस मामले पर अगली सुनवाई 14 जुलाई 2022 को होगी। अभी कुछ दिनों पूर्व ही जिला प्रशासन ने सुबह में ही बड़ी संख्या में पुलिस बल और जेसीबी मशीन लेकर अतिक्रमण हटाने गए। इस क्रम में काफ़ी तनाव और पत्थरबाजी हुई। वहीं आज इस मामले में पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर कर प्रशासन की इस कार्रवाई का जमकर विरोध की गई। कोर्ट ने अगले आदेश तक प्रशासन द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए 14 जुलाई 2022 को सुनवाई की तिथि तय की है। ऐसे में ये कहना गलत ना होगा कि राजीव नगर और नेपाली नगर में रहने वाले लोगों के लिए कोर्ट की तरफ से ये राहत भरी खबर है। आगे कोर्ट क्या फैसला लेती है, इसके लिए अभी हमें फिलहाल थोड़ा इंतज़ार करना होगा। ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप यूँ ही जुड़े रहें हमारे साथ।